नमस्कार, अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। और हरिद्वार से पहली खबर आपको बता देंगे, जहां पर एआरटीओ रश्मि पंत ने अभियान चलाकर यातायात नियमों का पालन न करने वाले वाहनों को चालानों काटे हैं और साथ ही ताबड़तोड़ कार्रवाई करती भी नजर आई। वो इस दौरान जानकारी देते हुए एआरटीओ रश्मि पंत ने बताया है कि पिछले सप्ताह ही जन जागरूकता के लिए यातायात नियमों के पाठ पढ़ाने के लिए एक सप्ताह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें निरंतर लोगों में जन जागरूकता किया गया है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि जन जागरूकता अभियान के बाद से कुछ लोग यातायात के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसके चलते आज बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले दोपहिया वाहन के चालान काटे गए हैं और अब तक 55 चालान काटे गए हैं। कार्रवाई अभी भी लगातार जारी है। उन्होंने कहा है कि दोपहिया वाहनों के साथ साथ ओवरलोडिंग करने वाले वाहनों के भी चालान काटे गए हैं। उन्होंने कहा है कि हमारा प्रयास है कि लोगों को यातायात के नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहे, और आए दिन होने वाले हादसों के कारण यातायात नियम का पालन करना काफ़ी आवश्यक है। उन्होंने इसके चलते लोगों को सही राह दिखाने की ज़रूरत है, और जिसके चलते ये जागरूकता अभियान का आयोजन किया जा रहा है और यातायात नियमों के बारे में लोगों को जागरूक करते हुए उनके चालान भी काटे जा रहे हैं। वही हम लोग कर रहे हैं, जैसे आप देख रहे होंगे पिछले हफ्ते हमने रोड सेफ्टी वीक मनाया था, पूरा हमने लोगों को जागरूक किया, काफ़ी सारे प्रोग्राम किए, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे जो व्हीकल चला रहे हैं लोग बिना हेलमेट के चला रहे हैं। तो हमारा जो बेसिक कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, विदाउट हेलमेट जो गाड़ियाँ चल रही हैं, विदाउट हेलमेट विदाउट डीएल, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी संघ चमोली का अनिश्चितकालीन धरना चौथे दिन भी जारी है। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी के पदों का कार्योत्तम एकीकरण के जाने के विरोध के चलते बता दें कि जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया गया है। संगठन के जिला महामंत्री विपिन सेमवाल का कहना है कि शासन की ओर से आदेश जारी कर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी के पदों का कार्य बता दी कि कार्योत्तम एकीकरण किया गया है, और साथ ही जो कि उनके संगठन के मानित नहीं है, उनका कहना है कि इससे उनके सर्वंग के हितों पर कठारघात हो रहा है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि शासन की ओर से इस मामले में उनके सर्वंग के पर्व में किसी भी प्रकार के वार्ता नहीं की गई है। इन पदों में कार्यात्मक एकीकरण के करने के लिए जनहित की यदि आवश्यकता हो रही है तो पंचायत राज और ग्राम विकास विभाग को पूर्ण रूप से विलय कर दोनों विभागों को शासन स्तर से ग्राम पंचायत स्तर तक समान वेतनमान पदों का नियुक्ति की तिथि आधार मानते हुए समान रूप से पदोन्नति किए जाने और साथ ही ज्येष्ठता निर्धारण करते हुए विलय किए जाने, ताकि उनके स्वर्ग हितों का रक्षा हो सके। हमारी मांग यही है कि जो फंक्शनल मर्जर का आदेश शासन के द्वारा किया गया है और जो लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि ये जनहित में आदेश किया गया है, तो हमारा पूर्ण रूप से विरोध है कि ये फंक्शनल मर्जर के रूप में जो भ्रम फैलाया जा रहा है इसको बंद किया जाए, ये आदेश निरस्त किए जाएं, और पूर्ववत जो पंचायती राज संस्थाएं कार्य करती रही है उनको आगे बढ़ाया जाए और पंचायती राज को मजबूत किया जाए, न कि अन्य जो भ्रम फैला के अन्य विभागों का अतिक्रमण ग्राम पंचायतों में हो रहा है और पंचायती राज विभाग को ये समाप्त करने की एक साजिश है, इसका हम घोर विरोध करते हैं। और जब तक हमारी ये मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। धीरे धीरे माननीय जो जनप्रतिनिधि लोग हैं वो भी हमसे जुड़ रहे हैं, क्योंकि वो भी समझ गए हैं कि पंचायती राज विभाग मजबूत होगा तभी पंचायती राज संस्थाएँ मजबूत। वही अब खबर मरसूरी से आपको बता दें, जहां पर एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई है। वही सूचना मिलते ही पुलिस और फायर की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कार्य में जुट गई है। वही पुलिस और फायर की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद कार सवार तीनों युवकों को खाई से बाहर निकालकर 108 के माध्यम से उपचार के लिए अस्पताल भेजा है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा कराई गई पटवारी भर्ती प्रकरण में अभी कई लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। वही बता दें कि एसआईटी ने परीक्षा से एक दिन पहले ही लीक हुए पेपर हासिल कर परीक्षा देने वाले 31 अभ्यर्थियों को भी चिन्हित कर उनके बयान दर्ज करने की शुरुआत कर ली है। वहीं हरिद्वार के SSP अजय सिंह ने इसका खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि पटवारी भर्ती घोटाला मामले में बता दें पूर्व में ही 8 आरोपी गिरफ्तार कर उन पर
बता दें कि कई एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है और इस दौरान SIT द्वारा पटवारी भर्ती परीक्षा में 31 अभ्यर्थियों को चिन्हित कर SIT उनके पूछताछ कर रही है और इस दौरान तमाम तरीके की जानकारी जुटाने में लगातार जुटी हुई है। आयोग से संबंधित प्रकरण है, उसमें कनकल थाने में मुकदमा दर्ज है। SIT का गठन हो चुका है और टीम द्वारा जिसमें पूर्व में जो गिरफ्तारी थी 7, इसका एक गिरफ्तारी और की गई थी। इसमें 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 7 लोग पर गैंगस्टर एक्ट उसमें लग चुका है। साथ ही साथ इसमें 31 अभी परीक्षार्थियों का पता चला था जो इस परीक्षा में कहने के अनुचित साधनों का प्रयोग किया गया था उनके द्वारा पूर्व में, तो उसके लिए उन 31 को ऑलमोस्ट आइडेंटिफाई हमारी टीम ने कर लिया है। अब चूंकि उनके बयान और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई चल रही है, इसमें अन्य लोग के भी शामिल होने की पूर्ण संभावना के संकेत मिले हैं जो अभी जांच में आया है, और जल्दी अति शीघ्र जो है उनकी गिरफ्तारी के लिए भी टीमें जो साक्ष्यों के आधार पर की जाएंगी। साथ ही साथ सभी छात्रों को एक एक करके यहां पर बुलाकर इसके बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं, जो प्रक्रिया शुरू हो गई है। वही लश्कर में उप जिला अधिकारी ने स्टोन क्रशरों पर बड़ी कार्रवाई की है और इस दौरान 5 स्टोन क्रशर को सीज कर दिया गया है। वही लश्कर उप जिला अधिकारी गोपाल राम बिनवाल ने बताया है कि लश्कर क्षेत्र में कई स्टोन क्रशर के खिलाफ अवैध खनन की शिकायत मिल रही थी, जिसके ऊपर जिलाधिकारी की ओर से मिले निर्देश के अनुसार ताबड़तोड़ छापेमारी कार्रवाई की गई है। इस दौरान कार्रवाई में अवैध खनन और अवैध भंडारण के सबूत मिलने पर 5 स्टोन क्रशर के खिलाफ सीज करने की कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान राजस्व विभाग की टीम, खनन विभाग की टीम, क्षेत्र के किसान मौजूद रहे हैं और इस कार्रवाई में 5 स्टोन क्रशर को सीज किया गया है। लगातार अवैध खनन की शिकायत प्राप्त हो रही थी, जिसमें मैतोली क्षेत्र में 5 स्टोन क्रेशर थे। सभी स्टोन क्रेशरों को पांचों स्टोन क्रेशरों को सील कर दिया गया है और इसके साथ साथ इनके जो रवन्ने जारी हो रहे थे पोर्टल भी खान अधिकारी द्वारा बताया गया कि वो बंद कर दिए गए हैं और इसकी विधिवत जाँच की जाएगी और कितने इनके पास जो अवैध रूप से मटेरियल इन्होंने कलेक्ट किया है, कितना किया गया है और कितना इनके पास पहले से स्टॉक था, इसके भी जांच करने के बाद जो भी नियमानुसार इसमें जुर्माने की कार्रवाई होगी, इसकी रिपोर्ट जिला अधिकारी महोदय को भेजी जाएगी। वही अब खबर हरिद्वार से है, जहां पर रोशनाबाद जिलाधिकारी कार्यालय पर भीम आर्मी एकता मिशन के प्रदेश संयोजक महक सिंह ने नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय रोशनाबाद में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। प्रदेश संयोजक मैक सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि ज्ञापन में मांग से 2 मांगे की गई है, जिसमें एक मांग पटवारी परीक्षा को दोबारा कराए जाने के संबंध में है, जिसमें हमारे द्वारा मांग गई है और परीक्षा केंद्र पर पहुंचने वाले परीक्षार्थियों के लिए रहने की व्यवस्था सरकार करे, और दूसरी मांग रखते हुए उन्होंने कहा है कि दलित समाज के युवक के साथ धार्मिक स्थल पर की गई मारपीट के मामले में पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता मुआवजा मिले। और ये तस्वीर आप देखिए, जहां पर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है जिलाधिकारी कार्यालय के सामने। ये प्रदर्शन है और इस दौरान वे धरना देते हुए नजर आ रहे हैं और 2 तरह की उनकी मांगे हैं जिसको लेकर वे लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब खबर रोशनाबाद हरिद्वार से है, जहां पर पुलिस कार्यालय रोशनाबाद में भगवानपुर क्षेत्र में हुई सनसनीखेज घटना का पुलिस कार्यालय रोशनाबाद के SSP हरिद्वार अजय सिंह ने खुलासा करते हुए जानकारी दी है कि भगवानपुर के युवक को गोली मारकर हत्या के सनसनीखेज प्रकरण का खुलासा प्रेमिका और उनके मित्रों के मिले जानकारी के कारण हो सका है। जैसे प्रेमिका से शादी न हो पाने के चलते युवक की आत्मघाती कदम उठाया था। एक सनसनीखेज वारदात का सूचना मिली थी कि गांव वनेकी में जो है एक युवक जो है किसान है, उसकी जो है गोली मार के हत्या हो गई। क्योंकि वहां पर जब मौके पर घटनास्थल निरीक्षण किया गया तो कोई वेपन नहीं था, लेकिन हाँ लहूलुहान मतलब सर में गोली लगी थी और काफ़ी सारी भीड़ वगैरह एकत्र थी, तो उसमें जो परिजन वगैरह से बीच में जानकारी की गई तो बहुत ज़्यादा चीज़ें स्पष्ट नहीं थी कि वो बहुत शोकाकुल थे, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिली। लेकिन हमारी टीम ने लगातार लगकर की इसमें कुछ जानकारी निकाली तो पता चला युवक के किसी से मित्रता थी और उसे शादी करना चाह रहा था, लेकिन शादी ना होने के कारण किन परिस्थितियों में बहुत डिप्रेशन
डिस्कशन में था और ये बात उसने अपने अन्य मित्रों में जो उनकी दो महिला मित्र थी और थे उनको बताई, तो सभी के हमने 100 न्यायालय में 164 के बयान कराए और सभी चीज़ों की तथ्य जानने की कोशिश करी और घटनास्थल पर पुलिस आने से पहले इकट्ठा हो गए थे और किसी ने वहीं पर जो तमंचा था उसको उठाकर, जो वेपन था जिससे गोली मारी थी, उसको कहीं खेतों में आगे कहीं फेंक दिया था। वही माघ मेले के छठवें शाम संवेदना समूह के नाट्य प्रस्तुति का नाम रही है जनपद के नाट्य दल संवेदना समूह की ओर से माघ मेले में गंगा अवतारण सहित उत्तरकाशी जनपद की वीर भर बता दें कि दो भाई नरू बिच सहित नरू बजीरा का प्रेम गाथा का आधारित नाटक का सफल मंच किया गया है। इस दौरान संवेदना समूह में माघ मेले के शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसमें बता दें कि गंगा अवतारण की नृत्य नाटिका के साथ ही कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। हरिद्वार ज्वालापुर में पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर द्वारा ब्राहदरबाद थाने में 11 जनवरी को अपने घर में चोरी होने की सूचना दी थी। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच की है और उसमें पूर्व विधायक सुरेश राठौर के घर में कुछ समय पूर्व नौकरी करने वाले अंकित निवासी जिला बिजनौर नगीना के रहने वाले एक युवक को शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में अंकित ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और बता दें कि पुलिस ने अंकित के निशानदेही पर ही काफी सामान भी बरामद किए हैं, मगर अंकित द्वारा चोरी किए गए लैपटॉप को बता दें कि जब पुलिस बरामद करने के लिए अंकित के दोस्त के घर दिल्ली लेकर गई, जहां उसने मौका देखकर ही पुलिस को चकमा देकर बिल्डिंग के छत से कूद गया और इस दौरान नीचे गिर जाने के कारण वे गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस द्वारा अंकित के उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई है। इस मामले में दिल्ली में मुकदमा दर्ज किया गया है, साथ ही हरिद्वार एसपी सिटी को जांच की गई है और कहीं पुलिस की लापरवाही से यह हादसा तो नहीं हुआ है। इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है पुलिस। उत्तराखंड में मौसम विभाग द्वारा की गई भविष्यवाणी सही साबित हुई है। दरअसल मौसम विभाग ने उत्तराखंड के ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश की संभावना जताई थी। वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में ऊंचाई वाले इलाकों में तिब्बा, लाल तिब्बा और साथ ही नाग टिब्बा से बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है और तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से उत्तराखंड की मसूरी की यह तस्वीर है, जहां पर बता दें कि यहां पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, जिसको लेकर पर्यटक के चेहरे पे भी एक अलग खुशी देखने को मिल रही है। और इस दौरान इस बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग ने पहले ही अंदेशा लगाया था, जिसके बाद से उनका यह अंदेशा जो है वो सफल साबित हुआ। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश की संभावना जताई, जो कल रात से ही सत्साबित हो रही है। निचले क्षेत्रों में जहां हल्की बारिश हो रही है, तो वहीं ऊपरी पहाड़ों क्षेत्र में जमकर बर्फबारी का सितम जारी है। इसमें जहां एक और बारिश होने से पहाड़ी काश्तकारों के चेहरे पर भी एक सुकून दिखाई दे रही है, तो वही दूसरी तरफ जोशीमठ में आपदाग्रस्त लोगों के लिए जोशीमठ में हो रही भारी बर्फबारी किसी डरावने सपने की बता दें कि मंजर देखने को मिल रहा है। जोशीमठ के लोगों को भारी बर्फबारी से भवनों और जमीन पर पड़ने वाले दबाव का दहशत सताने लगा है। वही जोशीमठ में बता दें कि भूधसाव और भवनों में बड़े बड़े दरारों के कारण यहां बर्फबारी के चलते और नुकसान होने की संभावना बढ़ती नजर आ रही है और इसलिए यहां के लोगों में लगातार चिंता बना हुआ है। ऐसे में प्रशासन भी लगातार प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करने में जुटा हुआ है। और बता दें जिस तरीके से जोशीमठ की हम तस्वीर आज देखते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बाद से यहाँ जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है, ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक चिंता का विषय है। लोग काफ़ी परेशान हैं क्योंकि जिस तरीके से जोशीमठ में घरों में दरारें आ गई थी और ज़मीनों पर भी दरारें देखने को मिली थी, इसके बाद से जिस तरीके से वहाँ बर्फबारी हो रही है, लोग काफ़ी परेशान हैं। लोगों का ये कहना है कि हम और भी बुरी स्थिति हम देख सकते हैं और साथ ही बता दें कि बर्फबारी का सितम उत्तराखंड में लगातार जारी है। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में बारिश का सितम जारी है, वही बता दें कि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सितम जारी है और इस दौरान बता दें कि कल रात से ही ये भविष्यवाणी जो मौसम विभाग की थी वो सच साबित हुई नजर हुई आती है। वही बता दें कि इस दौरान बर्फबारी का सितम लगातार जारी है, जहां एक तरफ बारिश
बारिश होने पर पहाड़ों के काश्तकारों के चेहरे पर एक सुकून दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ जोशीमठ में आपदाग्रस्त जो लोग हैं उन पे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनका ये कहना है कि हमें डर लग रहा है क्योंकि जिस तरीके से जोशीमठ की हम आज तक तस्वीर देखते हुए नजर आ रहे हैं और जोशीमठ में किस तरीके से दरारें देखने को मिल रही है, इससे जिस तरीके से बर्फबारी का सितम जारी है, उनको ये डर है कि स्थिति और भी ख़राब ना हो जाए। वहीं बता दें कि इस दौरान लोगों में एक दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। जोशीमठ में भूधसाव और भवनों में बड़ी दरार के चलते बर्फबारी में और भी नुकसान के आसार जताई जाने की संभावना है। उत्तराखंड में ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश का दौर जारी है, जिसमें लंबे समय के बाद से रात में पहाड़ों की रानी मसूरी में ऊंचाई वाले इलाकों में धनौल्टी, लाल टिब्बा और नाग टिब्बा में हिमपात होने से पहाड़ियों में बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ती हुई नजर आई है। मसूरी घूमने आए पर्यटकों का कहना है कि उन्हें बर्फबारी का काफ़ी लंबे समय से इंतजार था और बर्फबारी के चलते पर्यटकों के चेहरे पर भी एक अलग खुशी देखने को मिल रही है। और देखिए किस तरीके से मसूरी पर्यटक जो है बर्फ का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और बता दें कि पहाड़ों की रानी मसूरी में लगातार बर्फबारी का दौर जारी है, पर्यटक काफी खुश है इस बर्फबारी से। और बता दें कि उनका यह कहना है कि हमें काफी लंबे समय से बर्फबारी का इंतजार था और इस मौसम में जिस तरीके से पर्यटक मसूरी पहुंचते हैं उन्हें बर्फबारी का काफी इंतजार होता है और इस बर्फबारी के बाद से पर्यटक के चेहरे पर अलग खुशी देखने को मिल रही है। और मैं घूमने के लिए मेरा बहुत मन था कि मैं वहाँ पे जाऊँ घूमूँ और मैंने फर्स्ट बार में बर्फ़ देखी, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट बार में अपनी और बच्चों को लेके आऊँगी, फैमिली को लेके आऊँगी, तब देखूँगी। और मतलब सबसे ये कहना चाहती हूँ मैं कि आएँ और यहाँ का आनंद लें। और बता दें कि उत्तराखंड में एक तरफ जहां मैदानी इलाकों में बारिश का सितम जारी है, वहीं जो पहाड़ों वाले इलाके हैं वहां लगातार बर्फबारी देखने को मिल रही है और बर्फबारी से वहां के पर्यटक के चेहरे पर अलग खुशी देखने को मिल रही है। मसूरी की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहाँ पर बर्फबारी होने के कारण वहाँ के पर्यटक काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। और साथ ही बता दें आपको कि पर्यटकों का ये कहना था कि हमें काफ़ी लंबे समय से बर्फबारी का इंतज़ार था और जिस तरीके से मौसम विभाग ने ये जताया था कि बर्फबारी का एक सितम देखने को मिलेगा, ठंड एक बार फिर देखने को मिलेगी, और चाहे वो पहाड़ी इलाके हो या ज़मीनी वाले इलाके हो, दोनों मैदानी इलाकों में भी ठंड उसी तरीके से देखने को मिलेगी, जिसके बाद से जो पहाड़ी इलाके वहाँ बर्फबारी का सितम लगातार जारी है, जिसकी वजह से वहाँ के पर्यटक काफ़ी खुश है। वही अगर हम जोशीमठ की बात करें तो वहाँ जोशीमठ में बर्फबारी के कारण वहाँ के लोग काफ़ी चिंतित है। उनका यह कहना है कि जिस तरीके से बर्फबारी का सितम वहाँ जारी है और वहाँ पर जिस तरीके से ज़मीनों में दरारें आ गई है और घरों में दरारें देखने को मिल रही है, ये दरारें और भी इजाफा हो सकता है और लोगों को और भी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। बताते हैं आपको कि जोशीमठ को लेकर लगातार वहां के जो सरकार है और केंद्र सरकार की तरफ से बैठकों का दौर जारी है और अभी मुआवजा दे दिया गया है, लेकिन जोशीमठ को लेकर अभी क्या कुछ और स्थिति बनेगी ये काफी देखने वाली बात है। लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड में बर्फबारी का दौर जारी है, एक तरफ से जोशीमठ के लोग परेशान है, दूसरी तरफ जो काश्तकार है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड जो है ये एक पर्यटक क्षेत्र है और यहाँ जिस तरीके से पहाड़ों की रानी मसूरी को कहा जाता है और यहाँ पर जिस तरीके से बर्फबारी का सितम जारी है, लोग वहाँ के काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। एक तरफ सरकार को पर्यटकों के लिए काफ़ी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ जोशीमठ के लोगों के लिए काफ़ी दुख का समय चल रहा है क्योंकि वहां पर जिस तरीके की स्थिति हम देख रहे हैं जोशीमठ में, वहां के लोग काफ़ी परेशान हैं। और जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले वहां पर बारिश हुई थी और बारिश की वजह से घरों में और दरारें देखने को मिली थी, उसके बाद से बर्फबारी का दौर जारी है, तो जोशीमठ की जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं एक दयनीय है। सरकार और वहाँ के जो प्रशासन है उस पर भी तमाम सवाल खड़े कर रही है क्योंकि जोशीमठ से वहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं। वही अब मसूरी की आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पर लगातार बर्फबारी के कारण इस मौसम में पर्यटकों का काफ़ी वहाँ पे रौनक देखने को मिलती है और वहाँ पर्यटक जिस तरीके से पहुँचे हैं वहाँ एक बर्फबारी का दौर जारी है और वहाँ इसको लेकर पर्यटकों में एक अलग खुशी, चेहरे पर एक अलग खुशी देखने को मिल रही है।
हरिद्वार में आज मौनी अमावस्या का स्नान के लिए गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। वहीं बता दें कि मौसम खराब होने और भीषण ठंड के बावजूद भी श्रद्धालु गंगा आस्था का डुबकी लगाते हुए और पुण्य और मोक्ष की कामना करते हुए स्नान करते नजर आए। आप तस्वीर देखिए किस तरीके से मौनी अमावस्या पर श्रद्धालु गंगा घाट पर पहुंचे हैं और इस दौरान डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं श्रद्धालु। और स्नान पर्व को देखते हुए हरिद्वार में गंगा घाटों में पुलिस के जवान मुस्तैद दिखे हैं। साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर चौक चौराहे पर भी पुलिस की पैनी नजर आ रही है। और बता दें यह हरिद्वार की तस्वीर है जहां पर आज बता दें कि मौनी अमावस्या है, जिसको लेकर वहां श्रद्धालु की काफी भीड़ देखने को मिली है। श्रद्धालु काफी उत्सुक नजर आए। इस दौरान बता दें कि मौनी अमावस्या पर हमेशा से ही श्रद्धालु पहुंचते हैं और इस दौरान आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आते हैं। और ये हरिद्वार की तस्वीर जहां पर मौनी अमावस्या को लेकर श्रद्धालु वहां पहुंचे और इस दौरान उन्होंने जिस तरीके से गंगा स्नान किया, पूजा पाठ किया। और कहा यह जाता है कि मौनी अमावस्या एक ऐसा पर्व है जिस दिन कहीं ना कहीं आपको मौन होकर ही स्नान करना चाहिए और मौन होकर ही दान पुण्य करना चाहिए, इससे काफ़ी फल मिलता है। और यही हरिद्वार की ये तस्वीर साझा करती है जिस तरीके से हरिद्वार में लोग वहाँ पहुँचे हैं और जिस तरीके से गंगा घाट पर वहाँ लोग श्रद्धालु जो है वे डुबकी लगाते हुए नज़र आ रहे हैं, पूजा पाठ करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं मौनी अमावस्या के समय ये हरिद्वार के गंगा घाट की ये तस्वीर है जो श्रद्धालुओं में एक अलग उत्साह को दिखाती है। चलिए अपना उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।